हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोविंद सरकार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको आपके लिए रोज हम लाते हैं एक नए नए वीडियोज। फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा कितनी है और किस टाइप से वो एनर्जी स्टोर होता है, कहाँ एनर्जी स्टोर होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आज इस वीडियो में, और आखिर में आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुंडली प्रणालिका है, सोलेनोइड है, ठीक है। इस सोलेनोइड को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ एक स्विच की हेल्प से। इस बैटरी का वोल्टेज हम मान लेते हैं वी वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना एक्ट होगा वो होगा स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। अगर आपने सेल्फ इंडक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सेल्फ इंडक्शन के वीडियोज को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमारे पास प्रणालिका है, सोलेनोइड है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया एक स्विच के हेल्प से। बैटरी हमारा कनेक्टेड है, स्विच हमारा ऑफ है, तो यहां पे करंट क्या होगा, हमारा जीरो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे हम क्या करते हैं कि हम यहां पे इस कुंजी के को ऑन करते हैं, कुंजी के को ऑन करने से यहां पर धीरे धीरे एक करेंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, ठीक है। जीरो करंट है, जीरो से कुछ करंट यहां पे फ्लो होता है। जैसे मान लेते हैं कि 0.5 एम्पियर करंट यहां पे इनिशियली फ्लो हुआ, शुरू में जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से यहां पे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। जैसे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां पर क्या बनेगा आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखिए हो क्या रहा है, यहां पे इनिशियली जब इसमें करंट जीरो था तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ना। जैसे मैग्नेटिक यहां पे फील्ड जीरो नहीं है, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने से करंट इसमें थोड़ा सा फ्लो हुआ, थोड़ा सा करंट फ्लो होने से क्या बना, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना, बी मैग्नेटिक फील्ड बना। चूंकि अब यहां पे देखिए करंट क्या होगा कि इस करंट का मान, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट आई का मान क्या होगा, धीरे धीरे वेरी करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, ठीक है। जैसे करंट आई चेंज होगा, करंट आई के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो नेचर का लॉ आएगा यहां पे कि चेंज कहीं भी चेंज हो तो उस चीज का वो नेचर क्या करता है, अपोज करता है। तो यहां पे भी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इट मीन्स समझ में ये आ रहा है हमें कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये सोलेनोइड, सॉरी ये जो हमारे पास सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड क्या करेगा, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। उसका विरोध करने के लिए क्या करेगा, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस करेगा और उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, मतलब रोकने का कोशिश करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। इसकी टेंडेंसी ये होगी, ये चाहेगा कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो। तो एक इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, और तब तक इसमें कैपेसिटी है तब तक क्या करेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को ये जीरो बनाए रखने की कोशिश करता रहेगा, नाकाम कोशिश करता रहेगा। अब यहां पे देखिए बैटरी है, बैटरी सबसे ज्यादा पावरफुल है, बैटरी चाह रहा है कि मैं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना के ही छोड़ूंगा, चाहे कुंडली कुछ भी कर ले, चाहे कॉइल कुछ भी कर ले, ठीक है। अब ये क्या करेगा, धीरे 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 इसके क्रॉस क्या बनाएगा, एक पोटेंशियल सेटअप करता रहेगा, ये बढ़ाता रहेगा अपने पोटेंशियल को, अपने एनर्जी को क्या करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के विरुद्ध एक वर्क करता रहेगा, काम करता रहेगा। अरे बस समझे, लेकिन दोबारा समझिए इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन बैटरी पावरफुल है, बैटरी चाह रहा है कि मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो बना के रखूंगा, मतलब इस कॉइल में मैं करंट तो फ्लो करा के ही रहूंगा, ठीक है ना, मेरे पास ज्यादा एनर्जी। तो ये क्या करेगा, यहां पे वोल्टेज को इंक्रीज करता रहेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जो इस सोलेनोइड ने बनाया है, इस सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के विरुद्ध क्या करता रहेगा, एक वर्क करता रहेगा, काम करता रहेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड के विरुद्ध या यहां पे जो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ
इस ईएमएफ के विरुद्ध क्या करेगा, एक वर्कडन करेगा। और यही जो वर्कडन है, किया गया जो वर्कडन इस बैटरी द्वारा किया गया जो वर्कडन है, यही वर्कडन इस सोलेनॉइड में या इस परिणालिका में क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये अपोज करे तो यहाँ पे एक अन्योन्य प्रेरकत्व की सॉरी सेल्फ इंडक्शन की वजह से, स्व प्रेरण की वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा और इस ईएमएफ का वैल्यू होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बैटरी को डीक्यू आवेश फ्लो कराने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा, कितना डीक्यू आवेश को फ्लो कराने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा इस ईएमएफ के विरुद्ध। तो इस ईएमएफ के विरुद्ध डीक्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए क्या क्या जो वर्कडन होगा, क्या क्या जो वर्कडन होगा, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल सा वर्कडन माइनस ई डीक्यू, माइनस ई डीक्यू, क्यों यहां पर माइनस ई इसलिए इंडिकेट करते हैं, मतलब लेंगे क्योंकि ये जो वर्कडन हो रहा है वो इसके विरुद्ध हो रहा है, उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो यहां पर ये उसके अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करेगा माइनस साइन। तो यहाँ पे E का वैल्यू अगर वैल्यू पुटिंग करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इन टू डी क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डी आई अपॉन डी टी इन टू डी क्यू, इस डी टी को डी क्यू के अपॉन में लेते हैं तो एल डी आई इन टू डी क्यू अपॉन डी टी। देखिए डी क्यू अपॉन डी टी जो रिप्रेजेंट होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है आपका क्या, आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, करंट आई कहते हैं। यहां पे इसके लिए क्या पुटिंग कर सकते हैं, आई पुटिंग कर सकते हैं, तो एल आई डी आई, ये तो हो गया छोटा सा वक्र डी डब्ल्यू जब हम क्या कर रहे हैं डी क्यू आवेश की बैटरी इस कॉइल में से फ्लो करा रहे हैं। अब इसमें इनिशियल इस पे करंट जीरो है, करंट जीरो से करंट मैक्सिमम आई नॉट करंट तक फ्लो कराने के लिए, आई नॉट करंट जो हो गया मैक्सिमम करंट है, तो आई नॉट करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी ने टोटल कितना वक्र किया, बैटरी ने टोटल वर्कडन कितना किया, तो टोटल जो वर्कडन हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा जीरो से आई नॉट तक, जीरो से आई नॉट तक दिया जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से आई नॉट एल आई डी आई, ठीक है। अच्छा अब यहां से एल कॉन्स्टेंट है, एल को बाहर ले लेते हैं, एल को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर बाय टू आई नॉट से जीरो, जीरो रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, लोअर लिमिट हमारा जीरो तो जीरो जाएगा, तो ये जाएगा हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर, तो टोटल जो वर्कडन किया बैटरी ने, ये टोटल वर्कडन हो गया एल आई नॉट स्क्वायर बाय टू, और ये जो वर्कडन है ये वर्कडन स्टोर होगा इस प्रेरक या इस कॉइल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो स्थिति ऊर्जा जो जाएगा यू इज वस्ट हो जाएगा डब्ल्यू, और W इज इक्वल टू है हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका एनर्जी का फॉर्मूला कि यहां पे कितना एनर्जी आपका स्टोर होगा, ये बैटरी ने कितना एनर्जी यहां पे स्टोर किया या कितना वर्कडन उसने किया है। अब बात आती है कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कहां स्टोर होगा, ये जो एनर्जी है वो कहां स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर, लेकिन स्टोर कहां रहेगा वो, तो यहां पे एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्रेरक में जो एनर्जी है या प्रेरक में जो स्थिति ऊर्जा है वो कहां स्थिर संचित होता है, तो कहां स्टोर होगा ये, कहां संचित होगा, वो संचित होगा कि इस कुंडली के या इस प्रणालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इतना एनर्जी जो है वो स्टोर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्थिर संचित होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स है कुछ भी है, अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछना है जो आपको डाउट कर रहा है या न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक नीचे दे रखा है, वहां पे आप फोटो खींच के हमें भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके न्यूमेरिकल पे हम बनाए और आपका जो डाउट्स है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व आउट करें।
ठीक ना दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो आप उसको हक से डिसलाइक कीजिए, ठीक ना। कोई भी आपका फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों में खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।